देश पाई ऐतिहासिक दिन शुभारंभ है 5G सेवा नुआदिल्ली प्रगति मैदान 5G सेवार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G भारत पाई अपार संभावना नहीं आसी प्रधानमंत्री यह टेलीकॉम क्षेत्र में आणव नुआ विप्लव प्रथम 13टी सहर से आरंभ होता 2023 पूरा देश को जोड़ी केन्द्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यह अवसर में उपस्थित थे रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी और रिलायंस जिओर अध्यक्ष आकाश अंबानी सारा देश को जोड़े 5G सेवा सहायक होती मुकेश अंबानी भारत में 5G युग आरंभ साकार न्यू इंडिया रो स्वप्न डिजिटल सह समस्तांक डिजिटल विकास भारत कर चतुर्थ औद्योगिक क्रांतिर नेतृत्व 2023 शेष सुधा पूरा भारत में 5G सेवा टेलीकॉम क्षेत्र में बड़ विप्लव वास्तविक रूप नहीं नुआ भारत नुआ स्वप्न यह स्वप्न को साकार कर 5G अपेक्षा थिला केबे अन्य देश भली मिलिब 5G सेवा यह अपेक्षार अंत घटी देश में शुभारंभ हो 5G सेवा टेलीकॉम क्षेत्र में आसी नुआ विप्लव नुआदिल्ली प्रगति मैदान 5G सेवार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस रे प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन करी जे आज दिन भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध हो रही 5G भारत पाई अपार संभावना नहीं आसी एकविंश शताब्दीर सबुठारु बड़ शक्तिर युग आरंभ होई देशर युववर्गों पर 5G एक बड़ संभावना होगा सहित व्यापक एवं डिजिटल इंडिया दृष्टि प्रधानमंत्री कहते 5G डिजिटल इंडिया रो एक बड़ सफलता जहाँकि देशर विकास एक बड़ विजन 5G सेवा सह देश में नुआ इतिहास रचना होती प्रधानमंत्री 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए रिलायंस जिओ एयरटेल एवं आइडिया 5G डेमोन्स्ट्रेशन देखाई उत्तर प्रदेश जन छात्र होलोग्राम माध्यम रे एयरटेल 5G टेक्नोलॉजी जरिया रे प्रधानमंत्री मोदी कथा होती दिल्ली मेट्रो रो एक टनेल श्रमिकों सुरक्षा संक्रांत डेमोन्स्ट्रेशन देखाई भोडाफोन आइडिया 5G टेक्नोलॉजी ठिकोना समय रे केवल श्रमिकों सुरक्षा नहीं अलर्ट करा जाई परिबो ताहा देखाई कंपनी दिल्ली रु थाई प्रधानमंत्री 5G परीक्षण सेवा को उद्घाटन करने सहित तार कार्यकारिता उपकारिता अनुध्यान करिसंती प्रथम पर्याय रे 5G सेवा 13टी सहर रे आरंभ होई अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ गांधीनगर गुरुग्राम हैदराबाद जामनगर कोलकाता चेन्नई लखनऊ पुणे दिल्ली और मुंबई रे 5G सेवा आरंभ होई एयरटेल पक्ष वाराणसी और जियो पक्ष अहमदाबाद रे 5G नेटवर्क सेवा आरंभ हो दुई वर्ष भितर यह सेवा धीरे धीरे समग्र देश में आरंभ हो आशा कर 5G शुभारंभ कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते प्रथम मेट्रो सहर से यह सेवा आरंभ हो पर्यायक्रमे धीरे धीरे यह अन्य सहर से आरंभ हो 5G सेवा 4G ठार 10 गुणा स्पीड सेवा देव आवश्यक स्थले स्पीड 100 गुणा जाए बढ़ी पार
यूजर्सों को पाई डाउनलोड स्पीड बढ़ेगी 5G। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा, नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। 5G सेवार शुभारंभ अवसर में शामिल होते रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी और रिलायंस जिओ अध्यक्ष आकाश अंबानी। इस अवसर में मुकेश अंबानी कहते IMC को एशिया और विश्व में पहुंचाइवा लक्ष्य। देशर कोण अनुकोण में पहुंचे 5G। 2023 मसीहा डिसेंबर सुधा देशर सबु अंचल में पहुंचे 5G सेवा। सबका डिजिटल साथ, सबका डिजिटल विकास उपरे से गुरुत्व देखते। गत मसरे 5G स्पेक्ट्रम नीलाम सरता बेले आसंता दीपावली सुधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता रे सेवा उपलब्ध करवाक जाऊँगी टेलिकम जायंट रिलायंस जिओ। 2023 डिसेंबर सुधा अर्थात आगामी देढ़ वर्ष भितर देशर सबु सहर और गाँ गंडार 5G नेटवर्क उपलब्ध हो घोषणा करते RIL अध्यक्ष मुकेश अंबानी। दिस इज मोस्ट हार्टनिंग because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. Jio ne jaise Shri Mukesh Ambani ji mere pitaji ne bataya, Jio ka pura plan hoga ki December tak pura India cover ho jayega. भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशन आएंगे, और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। देश में टेलीकॉम क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनीथिबा रिलायंस जिओ सर्वाधिक 5G स्पेक्ट्रम नीलाम रे नेइथिबा बेले देशर चारोटी स्थान रे करिछन्ति डेमोंस्ट्रेशन। एही अवसर रे मुंबई रु जने शिक्षक तीनोटी भिन्न भिन्न स्थान रे थिबा स्कूल रो छात्र छात्रीन को सहित 5G टेक्नोलॉजी रे जोड़ी हुई थिले। महाराष्ट्र, गुजरात एवं ओडिशार तीनोटी स्कूल रो छात्र छात्री मुंबई शिक्षयत्री को सह जोड़ी हुई थिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गाँ मयूरभंज जिला अंतर्गत पहाड़पुर रो SLS मारकी आवासिक विद्यालय रो छात्र छात्री 5G नेटवर्क जरिया रे मुंबई शिक्षयत्री को सह 5G माध्यम रे कनेक्ट हुई पाठ पढ़ी परे परे किसी पिलांक सहित यार अनुभूति संपर्क रे कथा हुई थिले प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल इंडिया को अधिक मजबूत कर 5G। 2025 सुधा भारत में डिजिटल अभिवृद्धि 1 trillion में पहुंच। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में हो उन्नति। शिक्षार मान को वृद्धि कर 5G सेवा। ग्रामांचल में शिक्षार मान वृद्धि हो। इंटरनेट माध्यम पाठपढ़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आण 5G। घरे बस डाक्तर नहींपरिवे परामर्श। बढ़ टेलीमेडिसिन डाक्तर सेवा। टेलीफोन माध्यम नहींपरिवे डाक्तर परामर्श। स्मार्ट हो कृषि क्षेत्र। पाणिपाग नहीं लोकों आगुआ मिल सठिक सूचना। विशेषज्ञों परामर्श नहींपरिवे चाषी। पूर्व 4G स्पीड्रे चलुला आपण मोबाइल, इणिकी या 5G स्पीड्रे दौड़। 5G रे गोटे सेकेंड में खोल वेब पेज, अनलाइन काम स्पीड्रे पार, आउ बिना बफरींग्रे चल यूट्यूब।
कोड़े सेकेंड में डाउनलोड हो पार गोटे फिल्म। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।